आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दरका? क्वेश्चन में दरका जेड वन एंड जेड टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0 एंड जेड वन जेड टू फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ओरिजिन, फाइंड मोड ऑफ ए। तो यहाँ से अपने को मोड ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जेड में, यानी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से अपने पास ये क्या हो जाए, ए जेड प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट कौन से है, जेड वन और एक जेड टू, जेड वन और जेड टू। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ से अपने पास एक जेड वन बनेगा, तो यहाँ से अपने पास ये जेड वन बन जाएगा और यहाँ से अपने पास ये जेड टू बन जाएगा, ये जेड टू बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं जेड वन, ये जेड टू। तो यहाँ से अपने पास ये क्या है, यानी जीरो, यानी ओरिजिन है। तो यहाँ से अपने पास मोड ऑफ जेड वन किसके इक्वल बनेगा, मोड ऑफ जेड टू विच इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस का जेड टू, या जेड टू माइनस जेड वन, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अपने पास ये अगर जेड वन किसके इक्वल है, जेड वन इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो मोड ऑफ जेड वन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से अगर ये थीटा बन गया तो यहाँ से अपने पास ये एंगल किसके इक्वल होने का, 60 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, जेड टू। तो जेड टू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जेड टू की इक्वल मोड ऑफ जेड वन, क्योंकि जेड मोड ऑफ जेड वन विच इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड टू। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा। तो यहाँ से जेड टू इक्वल टू जेड वन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस का, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, थीटा प्लस का 60 डिग्री, तो यानी थीटा प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 इसका, यानी इसका आर्ग्यूमेंट इसका इक्वल बनेगा, यानी थीटा प्लस का पाई बाई 3। तो यहाँ से अपने पास जेड वन इंटू जेड टू की वैल्यू दे रखी है, वो किसके इक्वल दे रखे है, यानी सी डिवाइड बाई ये तो 12। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास ये बन जाए ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस का पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगा अपने पास, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा। तो यहाँ से अपने पास 2 थीटा प्लस का पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो यहाँ से अपने पास से क्या बन रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन रियल पार्ट बन रहा है। तो यहाँ से अपने पास रियल पार्ट, तो इसको यानी e की पावर आयोटा को थीटा को क्या ले सकता है, जेड, यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 12 विच इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, यानी कोस 2 थीटा प्लस का पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस का पाई बाई 3, पाई बाई 3 ये बनेगा। और यहाँ से अपने पास ये रियल पार्ट, यानी यहाँ से अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो रियल बनना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 12 के इक्वल है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, 0 के इक्वल बनेगी, यानी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से अपने पास एक तो 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी, या 2 थीटा प्लस का पाई बाई 3 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाए, पाई के इक्वल बन जाए। तो यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू, यहाँ से अपने पास माइनस का पाई बाई 6 बन जाएगी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू चेक करें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 पाई, पाई माइनस का पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू या तो माइनस का पाई बाई 6 के इक्वल बनेगी या पाई बाई 3 के इक्वल बनेगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, तो यहाँ से अपने पास जेड वन इंटू जेड टू, तो यहाँ से जेड वन की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, और यहाँ से जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू ये किसके इक्वल बनेगा, माइनस ए के इक्वल बनेगा, माइनस ए किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस ए। तो यहाँ से अपने पास माइनस ए, तो यहाँ से अपने पास जेड वन प्लस जेड टू, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास जेड वन किसके इक्वल बन जाएगा। और यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू, यहाँ से अगर ये 0 के इक्वल बन गया, तो ये 0 के इक्वल बन गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 के इक्वल बनेगी, यानी 1 के इक्वल बनेगी, और यहाँ पे ये क्या बनना है, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास पाई बाई 3, यहाँ से अपने पास 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 तो पाई माइनस, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू नहीं बनेगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस का पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पे जेड वन स्क्वायर पॉजिटिव है, तो जेड वन स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, जेड वन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन गई, माइनस का पाई बाई 6। तो यहाँ से अपने पास जेड वन किसके इक्वल बन जाए, यानी मोड ऑफ जेड वन, तो रूट 12 ई की पावर आयोटा माइनस का पाई बाई 6, माइनस का पाई बाई 6। तो यहाँ से जेड वन किसके इक्वल बन जाए, जेड वन इक्वल टू रूट 12, और यहाँ से अपने पास कोस माइनस का पाई बाई 6, तो यानी यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास, रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 बाई आयोटा 1 बाई 2 ये बनेगा। और जेड टू की वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड टू की वैल्यू बन जाएगा अपने पास, यानी रूट जेड वन स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा,
यानी यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 12, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास यानी पाई थीटा प्लस का थीटा प्लस पाई बाई थ्री, तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी पाई बाई थ्री, तो यहाँ से अपने पास रूट थ्री डिवाइड बाई टू, और यहाँ से प्लस का आयोटा वन बाई टू ये बनेगा। तो यहाँ से जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू किसके इक्वल बन रही है माइनस अल्फा माइनस ए के इक्वल बन रही है, और यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ रूट ट्वेल्व तो कॉमन आ जाएगा रूट ट्वेल्व, और यहाँ से वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास रूट थ्री डिवाइड बाई टू इंटू टू ये बनेगा। तो यहाँ से अपने पास मोड जेड की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी मोड ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ से अपने पास मोड ऑफ ए की वैल्यू रूट ट्वेल्व इंटू रूट थ्री विच इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास थ्री इंटू, यहाँ से अपने पास क्या बन जाए टू इंटू, इसको क्या ले सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास सिक्स। तो यही अपना आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।